जैसे आप लोगों की जानकारी में आ गया है, आप लोगों की वजह से पूरे जम्मू प्रोविंस में, या मेरे पास कुछ बाहर से भी फ़ोन आ रहे हैं जो आउट ऑफ JNK हैं जानने वाले, तो आप लोगों की वजह से ये चीज़ें बाहर तक गई हैं कि 22 तारीख को, परसों 22 सितंबर हमारे यहाँ जम्मू में एयर शो और एयर अवेयरनेस कैंपेन हो रही है एयरफोर्स स्टेशन सतवाली में। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, अगर गलत होगा तो आप उसे दुरुस्त करिएगा, कि दिस इज फर्स्ट टाइम इन द जम्मू, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू, एग्जैक्टली तो जम्मू में है। बेसिकली इसमें एयरफोर्स के 3-4 विंग सब लोग कोऑर्डिनेट करके डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ करेंगे। उसके लिए हमारे पास पूरी, आप देख रहे हैं कि एयरफोर्स की टीम है जो लोग परफॉर्म करेंगे इसको, और हमारे पास 7 PRO हैं, भारद्वाज साहब लेफ्टिनेंट कर्नल, भारद्वाज साहब डिफेंस के, वो टेक्निकल चीज़ें आपको ब्रीफ करेंगे। मोटा मोटी चीज़ें इसमें ये हम आपको बता दें कि ये फर्स्ट टाइम है, और हमें लग रहा है कि आने वाले टाइम में फिर ये जम्मू में हेलीकॉप्टर टूरिज्म, क्योंकि जम्मू से आसपास जाने के लिए जहां आधे घंटे पौन घंटे या इस तरीके की चीज़ें हों, जो थोड़ा हाई एंड का टूरिज्म है, लेकिन वो डेफिनेटली इम्प्रूव होगा, उसकी डिमांड आएगी। और कुछ चीज़ें हैं आप बताएं, कुछ चीज़ें हैं वो मैडम आपको अपडेट कर रही हैं। जैसे कि सर ने बताया कि ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जो है एक ग्रैंड गाला और स्पेक्टेकुलर एयर शो होने जा रहा है, तो इसमें हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस भी रहेंगे, उसके साथ साथ पैरा जंपिंग, सेरेमोनियल ड्रिल्स रहेंगी, और आकाश गंगा टीम रहेगी, और उसके साथ स्कैट की टीम रहेगी, जो जानकारी ये लोग देंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें बात है वो ये है कि जो जनरल पब्लिक है वो इन्वाइटेड है 22 तारीख को 9 से 11, और पीर बाबा साइड से फ्री एंट्री है, सभी आ सकते हैं और इस ग्रैंड इवेंट को जो है वो अपनी आंखों से विटनेस कर सकते हैं। उसके अलावा जम्मू टूरिज्म की तरफ से लाइव स्ट्रीमिंग इस इवेंट की पूरी होगी, और इस लाइव स्ट्रीमिंग में मीडिया वालों को भी ये रिक्वेस्ट है कि जो जम्मू टूरिज्म के जो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, मैं अभी जिनकी डिटेल्स भी दूंगी, वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सर्कुलेट करें, ताकि पूरी इंडिया में जहां भी लोग बैठे हैं भारत में, वो सब इस एयर शो को, इस ग्रैंड एयर शो को देख पाएं। तो मैं अगर डिटेल में बताऊं तो फेसबुक पे @JammuTourismOfficial, और हमारे YouTube, Instagram और Twitter के हैंडल्स में @JammuTourism, इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, आपको आने वाले भी हमारी डिटेल्स भी मिलती रहेंगी, उसके साथ आप घर में बैठे भी इसका जो है पूरा एक एक्सपीरियंस ले सकते हैं एयर शो का। और एक एयर अवेयरनेस कैंपेन भी है जिसकी एक एजुकेटिव वैल्यू भी है, और हमारे यंगस्टर्स जो है वो अपने एक एम्बिशन भी बना सकते हैं, और इन वे देखा जाए तो टूरिज्म को, एक JNK टूरिज्म को एक नया एक लेवल मिलने जा रहा है इसमें, जिस तरीके के ये स्काई लेवल का इवेंट है। सो ये सबको ही मुबारकबाद है, और अभी सभी शेयर करेंगे हमारी टेक्निकल टीम्स डिटेल्स, और डायरेक्टर साहब थोड़ा आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा और फिर अपनी। मैडम इज नॉट इन द फ्रेम, नहीं एक एक सेकंड, फ्रेम नहीं बन रहा है अभी, अभी अभी फ्रेम, हाँ बिल्कुल अभी एक सेकंड, अभी फ्रेम बनवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं करो यार। Then you will introduce yourself, then we will proceed for the first call. A very good evening, Jammu. I am Flight Lieutenant Kaval Sandhu. I am a part of the Surya Kiran Aerobatic Team, जो कि 22 सितंबर को एयरफोर्स स्टेशन जम्मू में परफॉर्म करने वाली है। जैसे कि आपको बता दिया गया है इस शो के बारे में, इस शो में आप देखेंगे इंडियन एयरफोर्स के विभिन्न अंगों को परफॉर्म करते हुए, जो एक एरोस्पेस पार है जैसे आप जानते ही हैं। इंडियन एयरफोर्स की आकाशगंगा स्काई डाइविंग टीम भी इस दिवस में भाग लेगी, जिसमें आप देखेंगे हमारे स्काई डाइविंग ऑपरेशंस बहुत ही नज़दीक से आप देख पाएंगे। इसके अलावा आप देखेंगे हमारी एयर वॉरियर ड्रिल टीम, जो कि जानी जाती है अपने प्रिसिशन के लिए और अपने डिसिप्लिन के लिए, तो आप इंडियन एयरफोर्स का डिसिप्लिन भी इस टीम के माध्यम से देख पाएंगे। इसके अतिरिक्त हमारे इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर, जो कि Mi-17 1B हेलीकॉप्टर हैं, इनका भी एक डिस्प्ले आप देख पाएंगे।
और फाइनली हमारी टीम जो है सूर्य किरण एरोबैटिक टीम जो कि हॉक मार्क 132 विमानों से एरोबैटिक का प्रदर्शन करती है, ये एक 9 एयरक्राफ्ट एरोबैटिक टीम है और मुझे बहुत गर्व हो रहा है ये बताते हुए कि पूरे एशिया में ये इकलौती टीम है हमारी भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम। इसका भी एक 25 से 30 मिनट तक का डिस्प्ले रहेगा, तो आप इस शो के माध्यम से इंडियन एयरफोर्स की पूरी पावर और जो शौर्य है और जो विभिन्न अंग हैं आप उसका नज़ारा ले सकते हैं। और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि सूर्य किरण टीम जम्मू आई है और हम इसके बाद भी बहुत सारे भारतीय स्टेट्स में शोज़ करेंगे और हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि हम भारत के युवा को जागरूक कर सकें और उनको इंस्पायर कर सकें, उनको प्रेरणा दे सकें भारतीय वायुसेना तथा इंडियन डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए। ये हमारा उद्देश्य रहेगा इस शो के माध्यम से। सवाल भी कुछ करेंगे भी, फिर अब लास्ट में। ठीक 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 मैडम, कितने किस किस्म के और कितने प्रकार के ड्रिल्स वहाँ पे होंगे एयरबैटिक्स में, आप जब जाएंगे तो किस किस्म का मनोरंजन आप जम्मू के लोगों, जिस फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, किस किस्म का मनोरंजन आप लोगों का दिल जीतना चाहते हैं कैसे? ठीक है, तो अगर 22 सितंबर को आप आते हैं तो आप देखेंगे जो सूर्य किरण टीम परफॉर्म करेगी, मैं उसके बारे में आपको बता सकती हूँ। जैसे कि मैंने कहा 9 हॉक मार्क 132 विमान आप देख पाएंगे जो कि अपनी स्फूर्ति और अपने सिस्टम के बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम के लिए जाने जाते हैं। ये फाइटर ट्रेनर जेट्स हैं जिसपे भारतीय वायुसेना के जो पायलट्स हैं उस पर ट्रेनिंग कर फाइटर पायलट्स बनते हैं, तो आप इन जहाज़ों को देख पाएंगे 22 सितंबर को। आपको ये शो दो भागों में दिखाई देगा। हमारा पहला भाग जो होता है उसमें आपको 9 जहाज साथ में उड़ान भरते हुए विभिन्न तरह के फॉर्मेशंस करते हुए दिखाई देंगे, बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आप देखेंगे 5 से 6 मीटर की दूरी पर ही उड़ रहे होंगे, बहुत पास पास में। फिर उसके बाद आप ये भी देखेंगे इन जहाज़ों को अलग अलग होते हुए जो कि इसका सेकेंड फेज होगा, उसमें आप देखेंगे मात्र 100 से 200 फीट की ऊंचाई पर ये जहाज बहुत ही तेज गति से आपके सामने एरोबैटिक्स का प्रदर्शन करेंगे और ये आपके लिए डेफिनेटली बहुत यादगार इवेंट रहने वाला है। मैम, रिहायशी इलाके में ये जो है एयर शो होने जा रहा है, जम्मू में पहली बार इस तरह का एयर शो, रिहायशी इलाका है जहाँ पर एयर शो होगा, तो वहाँ के जो कंजन जो वहाँ के घर हैं तो एक डर सा भी है कि वहाँ पर एयर शो होना कुछ खतरा वगैरह इस तरह की चीज़ें लोगों के जहन में। आपको किसी भी तरह के डर की मतलब ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे सारे जो प्रिकॉशंस और हमारे सब SOPs आर इन प्लेस, हमारे भारतीय वायुसेना ने पूरी तरह से इसका ध्यान रखा है और किसी भी तरह का डर की कोई भी आवश्यकता नहीं है, तो सब चीज़ें अच्छी तरह से अरेंज कर गई हैं। तो पिछले 2 दिनों से मॉक ड्रिल हो रहा है आपके यहाँ से, तो जम्मू का एयरबेस जो है थोड़ा मिग के लिए थोड़ा स्पेस रनवे छोटा है, तो कितना चैलेंजिंग जॉब है आपके लिए? हम यहाँ पे आए हैं पहले से ही सारी रेक्की करके, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ आने के बाद किसी को ऐसा लगता है कि यहाँ मतलब संभव नहीं है। बहुत ही रिसर्च, बहुत प्रेपरेशन के साथ ये टीम और इनफैक्ट पूरे एयरफोर्स के सारे टीम जो आए हैं शो के लिए बहुत रिसर्च और प्रेपरेशन के साथ आए हैं, जो कि मतलब जाने भी जाते हैं हमारे इंडियन फोर्सेज प्रेपरेशन एंड प्रैक्टिस, तो वो सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए यहाँ आए हैं और बिल्कुल हर शो यहाँ पर संभव है, तो किसी भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशन नहीं है। मैं दोनों क्वेश्चन को आंसर करना चाहूँगा। यहाँ आने के पहले, जहाज आने के पहले ऑलमोस्ट 2 महीने पहले हम एक पायलट को भेजते हैं यहाँ पे, तो वो आके पूरा देखता है कि हो सकता है कि नहीं यहाँ पे शो, सेफ्टी कंसर्न्स क्या है। वन ऑफ द मेन रीजंस इज ऑल्सो एयर अवेयरनेस कैंपेन, ये है कि जनता को बताने के लिए कि एयरपोर्ट के नज़दीक ना अगर आप कचरा या कुछ फेंकोगे तो चिड़िया आती है, एंड चिड़िया इज अ डेंजर नॉट ओनली फॉर फाइटर एयरक्राफ्ट बट जो सिविल जहाज सिविल कमर्शियल एयरक्राफ्ट उड़ रहे हैं यहाँ पे, तो इट इज़ ऑल्सो फॉर दैट अवेयरनेस कैंपेन। सेकेंडली जो पायलट्स हैं, जो हमारे टीम के पायलट्स हैं, दे आर ऑल हाईली एक्सपीरियंस्ड। टीम में आने के लिए आपको मिनिमम 1000 आवर्स ऑन फाइटर स्किल, मतलब फाइटर पायलट बन के आपके 1000 घंटे होने चाहिए टू अप्लाई टू द टीम। उसके बाद हमारा सिलेक्शन प्रोसेस होता है, उसमें मेरिट लिस्ट बनता है, उसके बाद आप टीम में आते हो। उसका टीम में आने के बाद आप फाइटर पायलट हो, सारे जितने पायलट से सारे इंस्ट्रक्टर्स भी हैं। डिस्पाइट दैट एक्सपीरियंस, लगभग 6 महीने की ट्रेनिंग होती है उन पायलट्स की, सो एक्सपीरियंस लेवल इज क्वाइट हाई, है ना। और फिर जैसे आपने बोला मॉक ड्रिल्स चल रहे हैं, तो जो मॉक ड्रिल्स चल रहे हैं
प्राइमरी एम ऑफ आज का मॉक ड्रिल, वो देखने के लिए कि एक बार ग्राउंड से तो देख ही लिया 2 महीने पहले, है ना, गूगल अर्थ पे देख लिया हमने कि कैसा है क्या है, बट एक बार हवा से लिमिटेड एयरक्राफ्ट 1-2 जहाज उड़ के देखते हैं कि कहाँ पे टावर्स हैं, कहाँ पे चिड़ियां हैं, कहाँ पे डेंजर एरिया, यहाँ पे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. एंड ओनली व्हेन टीम इज फुल्ली सेटिस्फाइड, ओनली व्हेन एयरफोर्स इज फुल्ली सेटिस्फाइड, तभी हम कल का प्रदर्शन करेंगे, कल और परसों. सर, वेदर अगर खराब होता है उस कंडीशन में कुछ प्रॉब्लम दिक्कत होती? तो इसलिए टीम जब ट्रेनिंग करती है, हम 3-4 डिस्प्लेस का प्रिपरेशन करते हैं. तो एक वर्टिकल डिस्प्ले होता है जिसमें अगर कोई क्लाउडिंग नहीं है तो हम पूरा डिस्प्ले करते हैं, और इन केस क्लाउडिंग आ जाती है मान लीजिए, या विजिबिलिटी कम हो जाती है, धुंध आ जाती है, तो एक छोटा सा प्रोफाइल होता है जिसमें हम मतलब थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है. बट अगर आप आओगे तो मजे तो फिर भी आएंगे. अगर आप पहली बार देख रहे हो तो मजे तो फिर भी आएंगे. मैम, टूरिज्म की तरफ से जिस तरह से पब्लिक आने वाली है उनको क्या मैसेज रहेगा, जिस तरह से कैरी बैग कैरी करते हैं उनको थोड़ा सा अवेयरनेस, क्योंकि डूज एंड डोंट्स पब्लिक में है, सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग भी कर रहे हैं और DIPR भी कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी कर रहा है. फिर भी एक जनरल रिक्वेस्ट है कि कुछ भी खाने पीने की चीज़ें, कोई कैरी बैग प्लास्टिक न लेके आए, क्योंकि सिक्योरिटी एरिया है वो एक सर्टेन पॉइंट के बाद एंट्री गेट आपको ले नहीं जाने देते. तो ये टोटल जो मैक्सिमम है 2 घंटे का प्रोग्राम है, 1.5 आवर का परफॉर्मेंस है, थोड़े पहले पहुँचना है, वो सारी चीज़ें. तो उतनी देर अपने को सांसों को काबू में रखें, चीज़ को महसूस करें और एडमिनिस्ट्रेशन को हेल्प करें, तो उससे ये मतलब एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होने जा रहा है और आप लोगों के सहयोग की बहुत ज़रूरत है, ये चीज़ें आप लोगों के माध्यम से जनता तक पहुँचेंगी. सर, मेन इवेंट 22 को होगा, ऑफिशियल इवेंट 22 है. हमारी जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, हम लोग जो जितनी भी सारी डिटेल हम लोग ने दी है वो 22 सितंबर की है. कल का वो इंटरनल वो सारी चीज़ें हैं, अपनी मॉक ड्रिल और जो भी चीज़ें हैं वो करेंगे. आप लोगों को भी परसों के लिए DIPR डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आप लोगों को भी लाने ले जाने सारी चीज़ें वो आपके लिए वो करेगा, आपको अलग से अपने व्हीकल पासेज उसके लिए परेशान नहीं होना है. हम एक सवाल मैंने आपसे कहा कि एयर शो नाम है यहाँ पर, लोकल्स पब्लिक भी वहाँ पर इन्वाइटेड है, और अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो वहाँ से पूरी हम मात्र 10 से 12 दिन लगेंगे, क्योंकि हम इसको एक शक्ति प्रदर्शन के नाम ले सकते हैं. एयर शो तो कोई है क्या, शक्ति प्रदर्शन के नाम से क्या सकते हैं? ये सिर्फ ऐसा है कि ये एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स अपने देशवासियों के लिए कर रहा है.